छोट अपने जैसा छोटा। अब इसका हाथ निकाल दिया। रचित ध्यान से, उसकी मुंडी ऑलरेडी नहीं है। ओ शिट, नीचे डल जाएगी। ये फिर अब क्या गिरा दिया? ओह शिट, ये क्या हुआ? ये किसने किया? Hey cuties, welcome back to my new vlog. तो guys, आज सुबह से पूरा दिन निकल गया, मैंने कोई vlogging नहीं की. इनफैक्ट मैंने फेस वॉश तक नहीं किया क्योंकि सुबह से बेड में ही पड़ी हुई थी मैं. और अभी शाम के लगभग कितने बज रहे हैं? शाम के 6 बजने वाले हैं. 6 बजने में 15 मिनट बाकी है. और यहाँ पे देखो, रचित की पूरी टीम आ चुकी है. यहाँ पे रचित का शूट चल रहा है और यहाँ पे रचित स्क्रिप्ट ब्रीफ कर रहा है सबको. और अब आज देखो इसने क्या पहना है. धोती कुर्ता नहीं, पजामा कुर्ता पहना है. सबने पजामा कुर्ता पहना. और ये आज अंकल बना था. मैंने इसका गेटअप आपको दिखाया नहीं, बहुत फनी लग रहा था आज के. अभी तो रेडी होऊंगा दोबारा. इंस्टा भी घूम घूम के आ चुका है. गाइस पता है क्या, अब मेरा सीन है रचित की वीडियो में एक, तो उसके लिए मेरे को रेडी होना है. रचित ने बोला रेडी हो जा, तेरा सीन है शाम के 6:30. मैंने कहा यार एटलीस्ट 1 घंटे पहले बताते, मैं हेयर वगैरह वॉश कर लेती, ना नहाती. अगर आप नहाओगे नहीं ना चलेगा विंटर्स में, लेकिन जब बाल चिपचिपे हो जाते हैं ना, मतलब ऑयल सा हो जाता है, तो भाई बहुत मस्ट होता है नहाना. फिर आप कितने भी रेडी हो जाओ, और अगर आपके हेयर गंदे हैं तो नहाया धोया सब बेकार है. तो रचित ने मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं दिया है रेडी होने का. और आज मैं खा रही हूँ मैगी. मैगी आजकल मुझे बहुत टेस्टी लगने लगी है, तो अभी मैं एक बार मैगी खा लेती हूँ अपनी. बहुत यम्मी बनी है ये. फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ जो रचित की वीडियो में मेरा सीन है वो लेने के लिए. ये देखो आ गए अपने रियल गेटअप में. इसको देखो, डांस करियो एक बार. ये अभी एक बंदा आ रहा है. इनका क्या नाम है? ये बंदर टोपी वाले अंकल का चंपकलाल. इनका नाम, अपना नाम बताओ. चंपकलाल हृदय परिवार चड्डा. मिस्टर चड्डा. हाँ, ये है मिस्टर चड्डा और ये है मिस्टर चंपकलाल. हृदय परिवर्तन स्पेशलिस्ट मिस्टर चंपकलाल. सो गाइज, मैं सीन के लिए रेडी हो चुकी हूँ. और मुझे बालों की वजह से मैं खुद को अच्छी नहीं लग रही हूँ. पता नहीं इसने क्या व्हाइट सूट पहना दिया पूरा नीचे से ऊपर तक का. कह रहा है व्हाइट सूट डाल ले, और मुझे भी नहीं पता सीन क्या है क्या नहीं है. और अजीब सी लग रही हूँ मैं खुद को. मतलब क्या 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 लुक है ये, क्या कैरेक्टर है. चलो दिखाती हूँ, देखती हूँ क्या कहता है. ये क्या पहना दिया मुझे, देखियो यार कैसी लग रही हूँ मैं. क्या पहना दिया, ऐसे नहीं लग रहा किसी के मैयत में जा रही हूँ. ऐसा लग रहा है ऊपर से आत्मा आई है ना. क्या रही, ये पहन ले, ये सही लगेगा. पूरा व्हाइट, पूरा व्हाइट भाई. यार ऐसा नहीं लग रहा किसी की मैयत में जा रही हूँ. पूरा व्हाइट. वो इस पे वो कर लेंगे ना चुन्नी वगैरह डाल के, वो तिरंगे वाली. तिरंगा लुक दे देगा ये, कह रहा है. अच्छा चलो ठीक है भैया, देखना साइड प्लीज. अरे मेरे को देखो, कैमरे में हाई कर रहे हो. हेलो हाय. अरे भैया मैं कह रही हूँ मेरे को देखो, मैं कैसी लग रही हूँ. सही है, सही है. हाँ? शोक सभा में जा रही हूँ, ऐसा नहीं लग रहा. ये तो है कि भाई कोई मतलब कोई बुजुर्ग को मर जाता है ना, तो उसके उसमें. हाँ, बुजुर्ग की जवान में मर जाए तो अगर भी... वो तो देखो धर्म की बात होगी. अब क्रिश्चियन में जाएंगे तो व्हाइट ही पहनते, शादियों में जाते हैं. सही बात है. तो वो तो अपनी 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 थिंग की बात है. बाकी अच्छे लग रहे हो. कलर कोई भी हो सुंदर लगना चाहिए ना. वो तो है, सफेद शांति का प्रतीक है वैसे. अब 26 जनवरी पे सभी यही कलर पहने नहीं नेता लोग. हाँ ये तो है, ये तो है. हमारे नेता जी देखो लेटे हुए आराम से. ये भैया नेता है हमारे. चौड़ में देखो कैसे लेटे हैं, देख रहे हो. लग्जरी लाइफ भैया की, लग्जरी लाइफ. तुम हुए नहीं रेडी ये भी. हमारा नेता है. ये पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के बोलता रहता है मोबाइल पे. और गाइस ये हमने काफी टाइम बाद ये हमने ये लगाया. कम से कम 2 साल पहले रचित ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे. और
अब जाके इसने यहाँ पे स्पेस मिला है तो अब लगाइए ये फोटो है रचित। और काफी फोटोज हमारे पास ये रखी हुई है, जगह ही नहीं है हमारे घर में लगाने के लिए, तो बस एक फोटो रचित ने यहाँ पे लगा दी है। ये सूट ना गाइस मेरे को ऊपर से थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, आप लोग भी कहते हो। और ये कपड़े मेरे 2 साल पहले के हैं, मैंने एक हॉरर वीडियो शूट करी थी एक वो, तब जो है मैंने ये सूट सिलवाया था कि व्हाइट पहनूंगी, और आज देखो रचित ने चोक शबा वाली ड्रेस पहना दी है मुझे। और गाइज मेरे को पता है आपको एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी थी, तो मैं सोच रही थी बोलू काफी पिछले ब्लॉग से, पर मैंने कहा नहीं आज भूल जाती थी, तो अभी मैं बताती हूँ। गाइज आप लोग कहते हो कि दी वो क्यू एन ए ब्लॉग बनाओ, तो मैंने सोचा कि यार सभी बनाते हैं क्यू एन ए ब्लॉग तो मैं भी बनाती हूँ एक, तो चलो ठीक है मैं क्यू एन ए ब्लॉग बनाऊंगी। तो आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं और जेन्युइन क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं उसमें से कुछ सिलेक्ट करूंगी। क्या पीछे क्या तू देख रहा है, फ्रंट मेरे को दिख रहा है तो क्या कर रहा है, बैक थोड़ी ना है। तो यार जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं जेन्युइन क्वेश्चन, वो आप मुझे इस वीडियो पे पूछना, आप क्या पूछना चाहते हो, और मैं नेक्स्ट व्लॉग जो बनाऊंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, आप वो पूछ लेना। अगर फालतू के क्वेश्चन हुए तो गाइज मैं डेफिनेटली मैं इग्नोर कर दूंगी, तो जो जो आपको पूछना है वो आप मेरे से पूछना, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको क्यू एन ए का ला के दूंगी, और उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूंगी। क्या भैया कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूंगी जिसके आंसर, मैं वही क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगी जिसके आंसर देने में मेरे को मजा आए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप काफी टाइम से जो चीज पूछ रहे हो आपको कमेंट्स के रिप्लाई में ना मिली हो, तो मैं जब देखूंगी तो मैं वो जरूर रिप्लाई करूंगी। यार ये मेरे बाल सच में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसे चिपके हुए से लग रहे हैं, ऐसी लग रही हूँ मोटी सी आंटी बैठ गई। यहाँ पे कौन है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ठीक है मैं सवाल पूछता हूँ। ठीक है पूछो। एक मतलब ऐसी नॉर्मल सवाल है, ठीक है। एक प्लेन है, हाँ ठीक है, उसे यहाँ से मुंबई जाने में 90 मिनट लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जब वो वापस आता है ना, हाँ, तो उसे 1.5 घंटा लग जाता है। OMG, तो ऐसा क्यों, कोई रीजन बताओ यार। सो गाइस अभी मैं मिक्की के पास आई, मिक्की ने मेरे से एक क्वेश्चन किया, बताओ। यार ये तो बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कौन सी क्लास में है तू? मैं 12th। बचपन में सॉल्व करते थे हम ये क्वेश्चन। बताओ। अब मैंने इतना हिंट दे दिया, तुझे पता है, मुझे पता है। पता है मुझे बबी बता दूंगी अपने भी। नहीं नहीं ये तो मैं स्कूल टाइम पे करती थी। ठीक है बताओ। क्या देगा मुझे ये बता, मैं कुछ दे तब तो मैं जवाब दूं, ऐसे क्यों मैं अपने नॉलेज वेस्ट करूं। सही बात है, है ना। जब अब्बा की है, जब अब्बा की, जय बाबा की, कुछ नहीं देगा ना तो क्यों बताऊं मैं। बताओ तो, बताया आपको, मेरे को पता है। बताओ मेरे को पता है। बताओ पहले कुछ बोल के दीदी, मैं ये दूंगा कुछ गिफ्ट रख। हाँ ठीक है, क्या देगा पहले बता तो सही। ऐसा बता दूंगा तो फिर गिफ्ट क्या रह जाएगा, तो गिफ्ट नहीं, वो सरप्राइज होता है, सरप्राइज नहीं चाहिए मुझे, गिफ्ट चाहिए, बता के दे। बेसन के लड्डू का डब्बा रख, वो ऑलरेडी फ्रिज में रखा है, मैं ले लूंगी। कुछ अलग दे, कुछ अलग दे तब बताऊंगी। आप जो बोलो। मैं जो बोलूं, हैं तो आंसर तो बताओ। आंसर तो मैं बता दूंगी, मुझे पता है। बताओ आजा जल्दी एक बार। हलो डाल दो ना। अरे किसके क्वेश्चन का आंसर देना है वो दे के आ रही हूँ। ये तू अपने हिसाब से डालना। डाल तिरंगा बना बना के, ठीक है डाल लूंगी। जल्दी कर, हमें भी निकलना भी है। चलो ना मैं आ रही हूँ, बताओ जल्दी। बताओ मैं ऐसे आंसर नहीं दूंगी। सिब्बू प्लीज, क्या प्लीज, चल ले उठ ले, और ये भी लगा लियो, इधर लगा लियो यहाँ पे पकड़, ठीक है उठ जा। जा जा रही हूँ मैं, तेरा जवाब कैंसिल, तू मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। क्या मतलब दीदी आपको पता ही नहीं है, मुझे पता है। आपको नहीं पता, मुझे पता है। अच्छा तो बच्चों की तरह बोल देगा तो मैं मतलब बता दूंगी। नहीं पता आपको, पता है मुझे। बताओ तो मैं लूंगा। इंस्टा की कसम पता है, तो पता है। पता है ना, किसी विनय से भी मत पूछो, मैंने विनय को बता दिया। विनय को बता दिया, विनय से मत पूछिए। विनय मैंने अभी से अभी आपसे क्वेश्चन पूछा। हाँ भाई मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैं पूछने वाला था क्वेश्चन, आपने पहले पूछ के खराब कर दिया। तूने पूछा था, मैंने सुन लिया था, मैंने बता दिया उसे। सुन लिया था पता है। नहीं तो गाइस मेरे को तो पता है, मैंने इंस्टा की कसम खा ली। आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना।
तो गाइस मेरे को तो पता है, देखो मैंने इंस्टा की कसम खा ली और मैं इंस्टा की कसम झूठी नहीं खाती हूँ, और अगर आप लोगों को पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना। तो अभी हम लोग चलते हैं अपना शूट करने के लिए, बाय, वहाँ पे लोकेशन पे मिलेंगे। गाइस ये रचित ने पहना बना के मुझे क्या बना दिया है, यहाँ पे ये भी लगाया है और ये सब भी लगाया है, तो मुझे लगता है कि भाई मैं वोट मांगने जा रही हूँ। ये लुक दे दिया इसने मुझे। सो गाइस हम लोग अपने लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। मैं ना गाड़ी में सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी, अभी पहुंचे देख रही हूँ। बस पता नहीं चला कब बैठी मैं गाड़ी में और कब पहुंच गई, और आंख लग गई थी मेरी। अभी चलो ऊपर चलते हैं। बाहर से देख लो गाइस कुछ ऐसा है, और यहाँ पे मे बी ऑफिस है, यहाँ पे वो शॉप है और आगे घर है। कहाँ गए ये सारे, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, डिग्गी वगैरह में सामान निकाल रहे हैं। हाँ जी सर जी। हाँ जी, क्या हाल है आपके? एक नंबर। आपका फेस आज मुझे ड्राई लग रहा है। चाबी गाड़ी की ड्राई होगा, तेरे को दी थी। आ जाओ भाई, लिफ्ट खुल गई। ओ सोने की लिफ्ट है, परत चढ़ा रखी है ये। अरे मेरे को भेज दिया, खुल जा भाई। कहाँ से खुलेगी ये? खुल जा भाई, खुल जा, खुल गई। आ जाओ। ये देखिए रचित सोने की लिफ्ट ना गिर जाए। रचित देख सोने की लिफ्ट, फर्स्ट फ्लोर दबा सी बोल। गाना बड़े चल रहा है ना, इसमें चल रहा है। ये देखो प्यारा सा डॉगी आ गया। ये देखो प्यारा सा डॉगी, इंस्टा का दोस्त। और गाइस ये है हमारा। मम्मी मेरा स्वेटर गिर गया। ये हमारी शॉप, ये है हमारी प्यारी सी शॉप, बिल्कुल खाली। यस अच्छी है ना। और गाइस अब वाइड में मेरा ये पूरा लुक देख लो, ये पहना रखा है रचित ने मुझे, सुंदर है ना, बढ़िया शॉप है ना। गाइस वैसे तो आए हम यहाँ पे शूट करने, और अभी मैं चलती हूँ रचित के पास, रचित को बोलती हूँ कि मेरे को शॉपिंग करा दे, देखती हूँ क्या क्या कहता है वो। चलो आप भी चलो, देखो रचित। क्या? रचित सुन ना, इधर तो देख, रचित शॉपिंग करा दे। बंद है मार्केट आज यार, खुली तो है हम दुकान। नहीं करा दे ना रचित, शॉपिंग करा दे। अभी टाइम नहीं है, हमने को शूट करना। हेलो, शूट की लोकेशन है क्या यार, शॉपिंग तो करा ही सकता है तू भी, उसी का साथ देता है ना। ये क्या पोज दे रहा है तू? दोस्त का ही साथ देगा पता है मुझे, ब्याह कर ले। गाइज आपने देखा रचित शॉपिंग के नाम पे कैसे गोली दे गया और भाग गया, हमेशा ऐसे ही करता है हमेशा। वो देखो वो घूम रहा है यार, ये कलेक्शन है ऐसे गिरे पिरे बिखरे क्यों है। रचित को बोलिए। ओ भैया आ गए, भैया से बोलते हो, भैया लोकेश भैया शॉपिंग करा दो। अरे सब आपका नहीं, गलत बात ले लो, क्या लेना बताओ। अरे सब कुछ आपका ही, लहंगा वहंगा दिला दो। अरे लो भी लहंगा लो, देखो रचित ने दिल रखने के लिए भी ऐसा नहीं बोला, मेरा के ले ले जो लेना है। मैंने क्या बोला, ये आप ही की दुकान है। हाँ। कुछ भी लो, रचित ने बोला भी नहीं एक बार की ले ले, मैं सच में थोड़ी ना ले लेती। हाँ कोई नहीं, बिजी पर्सन, टेस्टिंग होती है, हार्ट की टेस्टिंग होती है। हाँ। अभी भी क्या हुआ? नहीं हुआ, हो गया। एक्सेप्ट करो रचित, तुम आज क्या सेटिंग बिठा रहे हो तुम। ये गाइस इनसे क्या हो गया, ये देखो, अब देखा आपने, ये खड़ा था यहाँ पे, ये गिरा दिया पूरा गिरा दिया इन्होंने ये, और गिरते हुए कैप्चर नहीं हो पाया मेरे से। अरे यार ये किसके काम थे ये? हमारे भैया, कितना झूठा है। रचित ने गिराया क्या? पता नहीं कौन सा लहंगा पसंद आ गया इसको, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रचित कौन सा लहंगा पसंद आ गया तो तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। भाई साहब लगी रचित के, लगी भाई लगी, तेज लगी क्या? अबे यार कहाँ गया रचित, ये देखो भाई ये बार बार गिरता जा रहा है। रचित कहाँ लगी, दिखाओ। खून तो नहीं निकला? नहीं ऐसे ही वो यहाँ पे लगी ना हड्डी पे भट्ट। अच्छा फिर कैसे गिर गया? एक बाहुबली हमारे बीच उसने हाथ लगाया छुआ था। क्या रजत कोई लहंगा पसंद आ गया था क्या तुम्हें, है अपनी बहू के लिए?
भाई ये सेटिंग ही नहीं बैठ रही इनकी। हाँ यहाँ अटका दो बस, ये तो टांग दे फिर गिर रहा है। क्या कह रहा है भैया? बहुत ताकतवर है तो रचित रोजा, मुझे तो वो छुआ ही था पूरा गिरा दिया भाई, मैं दूर रहूंगा इससे। मुझे तो धरती के नीचे कटा पाएगा और मैंने रट्टा मारा तो धरती चाटता फिरेगा। अरे वो वाला इन तो बोल कौन सी मेरे को मत चाहिए ना भैया, मुझे मत चाहिए भाई, सीरियस हो गया भाई, बहुत सी मैटर सीरियस है यहाँ पे। अब जाके खड़ा हुआ है वो भाई, उंगली लगाई थी लहंगे पे साला, सारे लहंगे खिसक गए। अब देखो पुतला मत गिरा देना ना, चित पुतला सेट कर रहा है। ये बैकग्राउंड पे ये बन जाएगा ना, यानी हमारे पीछे, वरना व्हाइट बोल दिख वो सही लगता, वो उठा के लाओगे वो मत छेड़ यार ये जाएगा। तू जाओ पहले कुछ ला पाओ। क्या ला रहे लाली? ये क्या उठा रहा है भाई? ये अपने जैसा छोटा। अब इसका हाथ निकाल दिया रचित, देखे भी नहीं रचित क्या क्या कर रहे हैं रचित। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से ये टकला पर जाती है यहाँ पे, किसी को मुंडी नहीं है फिर उड़ा देंगे। रचित ने उसका हाथ आज सेट कर दिया हाथ। रचित कमर मत तोड़ देना उसकी अब। बस इतना ही ना रचित, ध्यान से, उसकी मुंडी ऑलरेडी नहीं है। ओ शिट भाई मैंने कह रही थी इसकी कमर मत तोड़ दे, उसने कमर ही तोड़ दी। स्कैम हो गया तो स्कैम। अरे नहीं मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का हूँ ना। रचित इसका कुछ मत तोड़ना। पता लगा इसकी तांगी के साथ है। ओ भाई क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो भैया? ये चप्पल किसके लिए? जो बुत्ती बोलो उसी, इसीलिए जो कम लग गया। अपनी अपनी बहू का खातिर ले लो भैया। अरे वो अपने आप कर लेती है। अपने आप भी कुछ ले जाओ, अच्छा लगेगा भाभी को, है ना? हाँ? मैं कह रही हूँ भैया आप भी ले जाओ, भाभी को अच्छा लगेगा। भाई ये दो डाल के ले रहा तू, मैचिंग तो मिला इसके अलग मैचिंग है भाई, मैचिंग नहीं, मैचिंग ये फिर अब क्या गिरा दिया? ओ शिट, ये क्या हुआ, ये किसने किया? अरे टकली गिर गई, उसका हाथ ही तोड़ दिया। क्या कर रहे हो, ये सब टूट गया क्या? ना वो निकल जाता ना। अच्छा इस बार तो रचित तुमने नहीं किया, ये इस बार किसने किया? उसकी नाक ना के मुंह नहीं है। कहाँ गए सब कुछ? इसको इसको दे दिया, इसने अपने दांत भी ऋतिक को दे दिए। ऋतिक के पास एक्स्ट्रा है। सो गाइज अभी शूट चल रहा है कंटिन्यू, भैया की तरफ का हो गया है सीन। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, आज की चल रही है, है? पुतले के साथ कहाँ तक जाएगा इसको लेके, रोमांस कर रहा है ये डमी के साथ। मिक्की देखेगा, मिक्की बहुत मजाक उड़ाएगा एडिटिंग करते टाइम। सो गाइस शूट हो चुका है और मैं हो चुकी हूँ फ्री, और आज बड़ी जल्दी शूट से फ्री हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, और क्योंकि घर पहुँचते ही मैं सोऊंगी मेकअप वगैरह रिमूव करके इसलिए। और हाँ गाइस मैंने आपको भी बीच में बताया था कि जिसको Q&A वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि मैं आपके क्वेश्चंस, हाँ आ रही हूँ गाइज, मैं बाकी की बातें घर चल के करती हूँ। हाँ चलो चलो घर चलो। सो गाइज घर पहुंच चुकी हूँ मैं, और हमारे घर की लिफ्ट खराब है तो सीढ़ियों से पैदल ही चलकर आई हूँ। हाँ तो वहाँ पे मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आपको Q&A वीडियो चाहिए तो
मेरी इस वीडियो पे 2000 मिनिमम कमेंट्स होने चाहिए ताकि मेरे को आंसर करने में मजा भी आए, उनमें से मैं कुछ सिलेक्ट करूंगी, तो इसलिए मिनिमम 2000 कमेंट्स होंगे तो मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी, बस इतना सा ही कहना था। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ मेकअप वगैरह रिमूव करके। बाय बाय, लव यू।